भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई। उद्देश्य था नई पीढ़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना। ये पॉलिसी 21वीं सदी के नौजवानों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को देखते हुए बनाने का व्यापक प्रयास हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा को प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है, जिसके सफल परिणाम कोरोना महामारी के दौरान भी सामने आए। पीएम ई विद्या कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन, टेलीविजन एवं कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठ्यक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक ई कंटेंट 32 भाषाओं में उपलब्ध किए गए। एक वर्ष में इस प्लेटफॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड़ से बढ़कर 2300 करोड़ हो गई है। जेईई एंड नीट की ऑनलाइन परीक्षाएं भी हुई, जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया। अभी नया सिस्टम आ गया, ऑनलाइन क्लासेस होने लगी है, तो जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब हम वो घर से पढ़ सकते हैं। यूजीसी ने ऑनलाइन शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किए। ऑनलाइन कार्यक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए निर्मित स्वयं MOOCs पोर्टल, जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। गत वर्ष में 54 लाख छात्रों ने उस पर एनरोलमेंट कराया। इस नई नीति से भारत में पढ़ने आए विदेशी बच्चों को भी हमारी सुदृढ़ व्यवस्था का लाभ मिला है। I'm from Cameroon. Very thankful for the government of India to give me the opportunity to pass off my education here in this great university. एक तरफ निष्ठा के अंतर्गत लगभग 24 लाख प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है, तो गत एक वर्ष में स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय द्वारा 1 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी प्रशिक्षित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सार्थक की रचना हुई, जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुचारू क्रियान्वयन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान है। इसी नीति द्वारा राष्ट्रीय अभियान निपुण भारत की भी शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल खेल में विकसित करना है। स्कूल बैग के वजन और होमवर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए और बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनोदर्पण पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और हैंडीक्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है और कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए CBSE द्वारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम्स की चरणबद्ध तरीके से शुरुआत की गई है। गत एक वर्ष में उच्च शिक्षा संस्थाओं ने कोविड संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किए और हमारे कई संस्थानों की ग्लोबल रैंकिंग में सुधार हुआ है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोड़ती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को भी सशक्त करती है, नए भारत की आत्मा को प्राथमिकता देती और हमारे युवाओं को 21वीं सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीति।